2 करोड़ रोजगार की बात की जाता है, पकौड़े तंदी को बोलता है आपको पकौड़े तलो, तो पढ़ाई का क्या मतलब, इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां रखने से क्या मतलब, पीएचडी वाला क्या पकौड़े तलेगा, इसलिए पढ़ाया जाता है। आपको मोदी जी का विकास नजर आता है कहीं? कहीं कुछ भी नजर नहीं आता, मोदी जी ने किया ही क्या है, जंगल में कहीं नाली समस्या आदमी है बहुत समस्या रही, योजनाएं सिर्फ कागजों में चलती हैं, गरीब किसानों को मजदूरों को कुछ नहीं मिलता है। विकास तो बहुत कुछ नहीं, तो ये अप्रैल को धरना हुआ था। भाजपा से ऐसा क्या है कि भाजपा को नहीं देंगे आप वोट? पिछले 15-20 साल से देख तो रहे हम लोग, क्या मिला हम लोगों को, आपको सारी चीज़ें पता है सभी लोगों को, ये जो पेपर हुआ था इसमें पटवारी का, इसमें तो आपको सारी चीज़ें मालूम है, इस तरीके से 15-15 लाख रुपये देकर सीटों को खरीदा गया। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज, ये न्यूज चैनल नहीं आपकी आवाज है, आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है, हम करते हैं सबको खबरदार। नमस्कार, मैं तरुण देव कनेरिया और आपका स्वागत है द खबरदार न्यूज में। आज चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है, लोकसभा चुनाव नजदीक आ चुके हैं और इसी बीच हम भिंड दतिया लोकसभा सीट के, इस बीच हम लोगों से जानेंगे कि कितना विकास हुआ भाजपा सरकार में, भाजपा सरकार की किन नीतियों कारण उनको वोट देंगे, कांग्रेस को वोट देंगे, इस बीच हम लोगों से जानेंगे। किसकी बनेगी सरकार? कांग्रेस। कांग्रेस को प्रत्याशी फूल सिंह बरैया जो है, आप लोगों के बीच आए? अभी तो नहीं आए, फिलहाल आएंगे जरूर। भाजपा से ऐसा क्या है कि भाजपा को नहीं देंगे आप वोट? पिछले 15-20 साल से देख तो रहे हम लोग, क्या मिला हम लोगों को? नहीं, भाजपा विकास के पैमाने पर किस तरीके से, भाजपा कहती है कि हमने इन योजनाओं का, कई योजनाओं का लाभ दिया है लोगों को, तो आप क्या समझते हैं इसके बारे में? योजनाएं सिर्फ कागजों में चलती हैं, गरीब किसानों को मजदूरों को कुछ नहीं मिलता है। दादा आप वोट किसको देंगे? अभी तो नहीं मनाया, मतलब तो विकास हुआ कि नहीं हुआ? विकास तो बहुत पिछली, तो ये अप्रैल को दंगा हुआ था, मतलब अर्जुनों के साथ। तो कैसा दंगा हुआ था? कोई अम्बेडकर के बारे में और काय के बारे में। अच्छा, तो संविधान खतरे में है और आप कह रहे का, तो वोट संविधान को बचाने के लिए क्या करना चाहिए हम लोगों को, संविधान को बचाने के लिए? विचार बना है किसको देना है वोट, कौन से फायदा मिलेगी देश को। अच्छा, विकास कौन सी पार्टी से आशा है कि विकास होगा? विकास तो सांसद के विचारों से होते, मतलब किसका? संध्या राय भिंड से सांसद है, तो कभी आए कि नहीं आई वो? यहाँ नहीं आई, मतलब यहाँ के वो अभी जो इनका कार्यक्रम था गुड्डू शर्मा का, तो उसमें जरूर आई थी, मतलब पहले संपर्क नहीं किया कभी भी उन्होंने किसी से, किसी की योजना हो या कोई तकलीफ हो किसी को। जैसे कांग्रेस से फूल सिंह बरैया जी मैदान में, तो उनको आप किस तरीके से देखते हैं? तो पहली बार आ रहे हैं, उन्हों से देखी जाए, मतलब क्योंकि वो भी बीएसपी से निकले हुए हैं, मतलब विधायक भी रहे बीएसपी से, वर्तमान में भी वो भांडर से, वर्तमान में दलितों की सुनने वाले हैं। ये अच्छा, बहुजन समाज पार्टी की किस प्रकार भूमिका रहेगी चुनाव में? कौन है बीएसपी? अरे अभी घोषित नहीं हुआ प्रत्याशी है। तो भाजपा ऐसे आपके यहाँ नाली की जो समस्या है, वो गंदगी की जो समस्या तो बनी रहती है, हम और आप रहे हैं भाई, जंगल में काय नहीं नाली की समस्या, जहाँ आदमी रहे तो वहाँ समस्या रहेगी, अब वो नहीं आ रहे हैं, या तो आवेदन दे नगर पालिका में, क्यों नहीं सुने, तमाम व्यवस्था है, मतलब 181 करें फोन। सांसद संध्या राय को कभी आपने देख? संध्या राय का झाड़ू लगाऊंगा आएगा जी, वो बता रहे हैं, मतलब बाकी नहीं कह रहे हम बात, ये नाली आली की व्यवस्था नगर पालिका। मोदी जी के विकास को आप किस नजरिए से देखते हैं? अब जाने जैसे विकास क्या होगा उनका, क्या करो विकास, उन्हें बताओ, चाहे आप बताओ, नहीं बता दे, किसानों के लिए ये किया, युवाओं के लिए वो किया, युवाओं के लिए क्या करो बता दे, अच्छा कोई भी युवा लग गया हो यहाँ लाहर के, युवा बेरोजगार है, युवा आज की डेट में बहुत ज्यादा बेरोजगार है, सबसे ज्यादा जो परेशानी है आज की डेट की वो महंगाई है और बेरोजगारी है, आपको सारी चीज़ें पता है सभी लोगों को, अभी जो पेपर हुआ था मध्य प्रदेश में पटवारी का, उसमें तो आपको सारी चीज़ें मालूम है, किस तरीके से 15-15 लाख रुपए देकर सीटों को खरीदा गया, जो व्यक्ति 4-5 साल से 2017 में लगभग वैकेंसी आई थी पहले पटवारी की, इसके बाद फिर अभी आई थी, अभी क्या हुआ 15-15 लाख रुपए दे के है ना सीटों को खरीदा गया,
उसके बाद जो व्यक्ति पढ़ रहा था 4-5 साल से वो क्या करे बेचारा, बेरोजगार है। किसको वोट देंगे आप? ऐसे कांग्रेस से प्रत्याशी फुलसिंह परैया जी है और भाजपा से प्रत्याशी संध्या राय जी है, तो आपके आपकी पहली पसंद क्या रहेगी? वोट क्या अपन इस तरीके से कह नहीं सकते, मतलब जो विकास है, विकास के पैमाने पे आप किसको देखेंगे? विकास के पैमाने की बात करी जाए तो इससे पहले इतना बड़ा जो धांधली हुई है वो अभी तक इतना घोटाला हुआ नहीं किसी भी पार्टी में, लेकिन भाजपा पार्टी को देखा जाए तो काफी घोटाले हो रहे हैं आज की डेट में। छत्तीसगढ़ में भी छत्तीसगढ़ PSC का घोटाला हुआ है ना, सारी चीजें यूट्यूब पर डली है आज की डेट में। मोदी जी का कहना है कि हमने युवाओं के लिए और बेरोजगारी खत्म करने के लिए, किसानों के लिए बहुत सारी योजनाएं निकाली है, महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत सारी योजनाएं निकाली है, तो इसके बारे में आप क्या क्या सोचते हैं? ने जो वादा किया था 2 करोड़ रोजगार देने का साल में, वो कहाँ उन्होंने दिया है? हम सारे लोग पढ़ रहे हैं, 4-5 साल से पढ़ाई कर रहे हैं, पेपर दे रहे हैं, लीक हो जा रहा है, परेशानी है, उम्र निकल रही है ना, क्या करे व्यक्ति? जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो कहता है कि 2 करोड़ रोजगार की बात किया था, पकौड़े तंदी को बोलता है आपको, पकौड़े तलो तो फिर पढ़ाई का क्या मतलब? इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां रखने से क्या मतलब? PhD वाला क्या पकौड़े तलेगा? इसलिए पढ़ाया जा रहा है। सरकार को इस चीज में सोचना चाहिए कि इतनी बड़ी जनसंख्या है ना, तो रोजगार देना चाहिए। रोजगार हम लोकतांत्रिक देश में है, लोकतांत्रिक सारी चीज़ें हैं, है ना। अब सरकार रोजगार नहीं देगी तो किस तरीके से बता सकते? युवा रोडों पर धक्के खा रहा है, परेशानी इतनी ज़्यादा आ रही है, तो सब पार्टी को युवा के बारे में सोचना चाहिए। आपको मोदी जी का विकास नज़र आता है कहीं? कहीं कुछ भी नज़र नहीं आता, मोदी जी ने किया ही क्या है, गरीबों के लिए कुछ भी नहीं है। आप एक युवा है तो युवाओं के लिए मोदी जी का कहना है और मुख्यमंत्री जी का भी कहना है, मध्य प्रदेश तो उनका भी कहना है कि हमने बहुत सारी योजना, ऐसे युवा उद्यमी योजना और बहुत सारी योजनाओं का क्रियान्वयन किया, तो आपको ऐसा कुछ लाभ मिला है? अभी तक कुछ भी लाभ नहीं मिला है। उद्यमी योजना की बात करें तो हम कई बार कोशिश भी करते हैं लेकिन गरीबों को कुछ लाभ नहीं मिलता, वो तो सिर्फ पैसे वालों के लिए होता है। पैसे वालों को लाभ मिलता है। ऐसे विकास के पैमाने पर आप बात करें कि विकास, शिक्षा का विकास हो, बेरोजगारी खत्म हो और बहुत सारी शिक्षा में अवेयरनेस आए, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? गरीबों को शिक्षा मिलेगी कैसे, पहले आप ये बताओ। CM राज स्कूलों की स्थापना की है भाजपा गवर्नमेंट ने, तो उसके बारे में क्या? CM राज स्कूल हालांकि ठीक है लेकिन अब आने वाले समय में पता चलेगा, जब नौकरियां खत्म होती जा रही हैं तो स्कूलों का होगा क्या फिर? स्कूल तो कुछ काम के ही नहीं है।